नमस्कार जय धन्वंतरी। पीछे हमने कुछ बातें देखी थी रजस्वला परिचर्या के ऊपर। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने यह बताया कि साचेत कुर्यात निषिद्धानि गर्भस्थत् दोषम् आप्नुयात्। रजस्वला परिचर्या में जो निषिद्ध बातें की गई, जिसका जिसका निषेध बताया गया, वो यदि कुछ अज्ञानवश, प्रमादवश, लोभवश या कुछ भाग्यवश, दैववश यदि वो आचरण स्त्री करती है, तो उसको आगे आने वाली संतति में उसका क्या असर होगा। पहले उसको वैयक्तिक क्या असर होगी वो बताया, आगे आने वाली संतति में क्या क्या असर हो सकती है, क्या क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव उसके ऊपर हो सकते हैं, उसकी बात अभी बता रहे हैं। तो वो सबसे पहले बताते हैं, एतस्याः रोदनात् गर्भो भवेद् विकृतलोचनः। एतस्याः रोदनात् गर्भो भवेद् विकृतलोचनः। रजस्वला महिला यदि रोती है, यदि रुदन करती है, अश्रु की भी कुछ ग्रंथियां मानी हैं, वो ग्रंथियाँ उत्तेजित होने का कुछ काल बताया है, इसीलिए बालक रोते हैं लेकिन अश्रु नहीं आता है उसको, उसको अश्रु नहीं होते, वो आपको पता है। बहुत सारे प्राणियों में अश्रु नहीं होते हैं, अश्रु की ग्रंथियाँ कुछ विलक्षण है। स्त्रियों में वो ज़्यादा सक्रिय होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती, इसलिए उसको रोना भी ज़्यादा तुरंत आता है और अश्रु भी तुरंत निकलते हैं। वो आप को समझ, आप को अभ्यास होगा तो पता होगा आयुर्वेद का, कि अश्रु ग्रंथियों का भी कुछ उससे संबंध है, संवेदनशीलता से संबंध है, इसलिए हम जब रोते हैं तो अश्रु आ जाते हैं। वो एक प्रोसेस होती है पूरे शरीर में ग्रंथियों की। अंतस्रावी ग्रंथियों का विचार पूर्व के ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तो जो अंतस्रावी ग्रंथियों में से जो स्राव, अंतस्राव और बहिस्राव होते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। उसके द्वारा जो रोग होते हैं, वो रोग किस तरह के होंगे, उसका भी वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में तब किया गया है जब मॉडर्न साइंस को ये सब का कुछ पता ही नहीं था, मॉडर्न साइंस विकसित ही नहीं हो सका था। तब ग्रंथियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई थी कि किस रोग में किस ग्रंथि प्रभावित होती है और वो ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। तो अश्रु ग्रंथि की बात है। अब यदि रजस्वला परिचर्या में यदि रजस्वला स्त्री अश्रु बहाती है, रोती है, तो वो शोक दुगना तुगना हो जाता है, क्योंकि वो अवस्था ही सेंसिटिव है, उसमें स्वभावतः व्यग्रता ज्यादा होती है। तो अभी कुछ ऐसी बात हो गई और उसने रो लिया, उसने दुख हुआ, उसको दुख हुआ, तो वो ज़्यादा सक्रिय अश्रु ग्रंथि होगी, इसका प्रभाव आँखों पर होगा और इतना प्रभाव होगा कि गर्भाशय में जो सी ग्रंथियाँ है, जो आँखों को बल देती है आने वाले गर्भ में, वो थोड़ी विकृत होगी और उसके कारण गर्भो भवेद विकृत लोचना, लोचन में तकलीफ होगी आगे आने वाले गर्भ में। अभी नहीं, गर्भवती हो और कुछ हानि हो तो समझा जा सकता है, ये आज का विज्ञान भी मान्य करता है, लेकिन ये उस समय की गलती, उस समय की कुछ विकृति आगे आने वाले गर्भ को प्रभावित करती है, ये समझने के लिए पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक अभ्यास चाहिए। और ये बहुत साल पहले के ग्रंथ में लिखा गया है, लगभग 300-400 साल पहले के ग्रंथ में लिखा गया, 400 साल पहले, 500 साल पहले के 16वीं सदी के भाव प्रकाश नामक। लेकिन ये सिद्धांत 3,500-4,000 साल पहले के ग्रंथों में ग्रथित थे और ये सिद्धांत सालों, हजारों साल पहले के वेदों में ही बताया गया है। ये ग्रथित अब किया है वो हम बता रहे हैं। तो ये बताया कि एतस्या रोदनात् गर्भो भवेद् विकृत लोचनः। उसकी रोदन से जब वो रजस्वला है और कुछ घटना ऐसी घट गई और रोना पड़ा, तो बार बार ऐसा यदि हो, एकाध बार हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति हो,
यदि इसका बार बार हो तो गर्भ को दोष लगता है, विकृत लोचन होता है, वो उसकी आंखों में कुछ खराबी आ सकती है। हो सकता है आज रजस्वला परिचर्या गई है पूरी, पालन नहीं कर रहे हैं ये चार कारणों में से किसी कारणों कारण के अंतर्गत, तो इसलिए गर्भ के दोष भी बड़े हैं। विभिन्न प्रकार के दोष, विभिन्न प्रकार के रोग बालकों में देखने को जन्म से ही देखने को मिलते हैं, कि जो आश्चर्यचकित कर देते हैं कि ऐसे रोग क्यों हुए बालक को, नवजात शिशु को इतने रोग क्यों हुए। तो इसका कारण गर्भ विज्ञान का पूरा अभ्यास और पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। तो पूज्य गुरुवर्य ने ये करने के लिए बहुत कुछ इसके ऊपर कार्य किया है, हम उसका आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि वो समाज में उसका कुछ प्रचार हो और जान सके। आगे कहते हैं, नखच्छेदे न कुनखी कुष्ठित्वभ्यंगतो भवेत्। नखच्छेदे न कुनखी, यदि वो नाखून बार बार काटती है तो नाखून में भी कुछ विलक्षणता है। आज हम देखते हैं कि वो कैल्शियम उसके लिए चाहिए, नाखून अस्थि की उपधातु है, धातु का मल है ऐसा बताया गया है। तो अस्थि धातु का जो मल नाखून के रूप में या बालों के रूप में प्रकट होता है, उसको काटने से, रजस्वला परिचर्या में बताया गया कि नाखून नहीं काटने हैं। अब सूक्ष्म इफेक्ट नाखून काटने की भी होती है, ये सामान्य स्तर का व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा। जिसको कुछ मनोवैज्ञानिक अभ्यास नहीं है, जिसको कुछ अंतर का कुछ अभ्यास नहीं है, जो स्थूल विज्ञान ही केवल जानता है लेकिन सूक्ष्म विज्ञान नहीं जानता है, वो तो कहते ही इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा उसका मानस कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बताया कि नखच्छेदे नकुनखी। हालांकि ये सिद्ध करना बहुत ही कठिन है कि अभी नाखून काटे तो उसकी असर आगे आने वाले गर्भ के जो शिशु है उसके नाखून पर पड़ेगी, लेकिन ये ऋषि मुनियों ने ये कुछ बातों का साक्षात्कार किया है जो तर्कातीत है। कुछ बातें तर्क की गई है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो जो बातें कह रहे हैं वो प्रूव होती गई है। तो अभी कुछ बातें अभी प्रूव न भी हो तो भी उसको मानना, उसी का नाम श्रद्धा है। जो यो बुद्धे परतस्तु सह, ये भगवद गीता में बताया है। ऐसे तत्व को जानने के लिए तर्क सीढ़ी नहीं हो सकती, वो सीढ़ी श्रद्धा ही हो सकती है। तो यहां पर बताया कि नखच्छेदे नकुनखी कुष्ठित्वभ्यंगतो भवेत। यदि अभ्यंग करती है मसाज, अभ्यंग के बहुत गुण आयुर्वेद के ग्रंथ में बताए, रोज अभ्यंग करना है ऐसा भी बताया। अभ्यंग से वात का शमन होता है, अभ्यंग जैसा वायु नाशक कोई नहीं है ऐसा भी बताया। शयनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम, वात का नाश करने वाला मर्दन है, अभ्यंग है ये बताया। वही आयुर्वेद ने बताया कि यदि रजस्वला है वो तो अभ्यंग नहीं करना है। तटस्थ दृष्टि का जो निरूपण है वो इसी को कहते हैं, जो दार्शनिक दृष्टि है उसकी, कि जहाँ लाभ है वहाँ अवश्य उसका लाभ है, लेकिन जहाँ पर निषेध किया गया है वहाँ पर निषेध भी है। तो ये बताया कि कुष्ठी अब तो अभ्यंग तो भवेत, कुछ स्किन के रोग हो सकते हैं। अब रजस्वला यदि अभ्यंग करती है, मसाज करती है, तो आगे आने वाले गर्भ के शिशु को कुछ स्किन के रोग, चमड़ी के संबंधित रोग हो सकते हैं। इसीलिए अभ्यंग का मना किया है कि अभ्यंग नहीं करना है। और भी कुछ बातें निषिद्ध बताई गई है, वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।